नमस्कार, मैं हूं नेहा वर्मा और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। सोनभद्र हत्याकांड के पीड़ितों से मिलने जा रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के काफिले को शुक्रवार को रोक दिया गया। प्रियंका के इस काफिले को नारायणपुर पुलिस स्टेशन के पास रोका गया। जमीनी विवाद में सोनभद्र में 10 लोगों की हत्या के बाद प्रियंका गांधी पीड़ित परिवारों से मिलने के लिए वहां जा रही थी। सोनभद्र में पीड़ित परिवारों से मिलने से रोके जाने पर नारायणपुर में धरने पर बैठी प्रियंका गांधी ने कहा, हम बस पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं। उन्होंने यह तक कहा कि मेरे साथ सिर्फ 4 लोग रहेंगे, फिर भी प्रशासन हमें वहां जाने नहीं दे रहा है। उन्हें हमें बताना चाहिए कि हमें क्यों रोका जा रहा है, हम यहां शांति से बैठे रहेंगे। बाद में पुलिस ने प्रियंका गांधी को हिरासत में ले लिया। हिरासत में लेने के बाद प्रियंका गांधी को चुनार गेस्ट हाउस ले जाया गया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कहां ले जाया जा रहा है, लेकिन वह जहां ले जाएंगे हम जाने को तैयार हैं, लेकिन झुकेंगे नहीं। हालांकि चुनार गेस्ट हाउस में प्रियंका गांधी फिर धरने पर बैठ गई और कहा कि जब तक उन्हें पीड़ित परिवारों से नहीं मिलने दिया जाता तब तक वह वापस नहीं जाएंगी। उन्होंने कहा कि कोई आपको जाने नहीं देंगे, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं है, ऊपर से फोन आया है। मैंने कहा फिर तो मैं जाऊंगी, क्योंकि आपने मुझे कोई कागज नहीं दिखाया, कोई ऑर्डर नहीं दिखाया, कोई एक्ट नहीं दिखाया। तो जब मैं जाने लगी तो फिर मुझे गिरफ्तार करके यहाँ ले आए। मैं यहाँ इंतजार करूंगी, लेकिन मेरी ये इच्छा है कि जब तक मैं उन पीड़ितों से, उनके परिवारों से नहीं मिलूंगी तब तक मैं नहीं। लावा फेर से खाली होता तो मैं इसलिए आई, कि पूरा देश देखे कि इस प्रदेश में क्या हो रहा है, कि पूरा देश देखे। देश में एक एक बच्चा, 17 साल का बच्चा जब अस्पताल में लेटा है उसके साथ देश का एक एक 17 साल का बच्चा खड़ा है। अपनी लड़ाई लड़ी, अपनी माता पिता की जमीन की लड़ाई लड़ी हम आपके साथ, यही कहने के लिए मैं। इससे पहले SDM की गाड़ी में प्रियंका गांधी को चुनार गेस्ट हाउस लाया गया। सोनभद्र जाने पर अड़ी प्रियंका गांधी ने पुलिस के पास रोके जाने का ऑर्डर नहीं होने की दलील दी। प्रियंका गांधी को मिजारपुर के करीब नारायणपुर में रोका गया तो वह सड़क पर ही धरने पर बैठ गई। प्रियंका गांधी ने सवाल किया कि मुझे किस आदेश के तहत रोका गया है। क्या मामला है? मामला है कि सोनभद्र में जो घटना घटी है उसको लेकर तनाव की स्थिति हर जगह है, इसलिए रोका गया उनको। तो क्या प्रियंका गांधी को यहाँ हिरासत में लिया गया है? क्या है? क्या आगे नहीं जाने दिया जाएगा? आगे इनको सोनभद्र जाने दिया जाएगा कि सर इसी जगह रहेंगे? नहीं, सोनभद्र जाने नहीं दिया जाएगा, तो हिरासत में है। प्रियंका गांधी कह रहे हैं कि जब तक मिल नहीं लेंगे तब तक जो है हम पीछे नहीं हटेंगे। अब जो भी होगा वो विधि अनुसार कार्रवाई की जाएगी। समय जनपद सोनभद्र में जो गोरावल में भूमि विवाद को लेकर दुर्घटना हुई उसमें कुछ लोग मारे गए हैं और वहां के जिलाधिकारी ने धारा 140 लागू करते हुए किसी बाहरी व्यक्ति को वहां आने पर प्रतिबंधित कर दिया है। मैडम के वहां जाने पर शांति भंग हो सकती है, इसलिए जनपद मिर्जापुर में और सोनभद्र में भी इस प्रकार की कोई शांति एवं कानून भंग की समस्या ना हो, इसलिए मैडम को हम लोग प्रिवेंटन एक्शन के रूप में यहाँ पर हम लोग डिटेन किए हुए हैं, जिससे किसी प्रकार की शांति भंग की आशंका न हो। कब तक रखने का है यहाँ पर? कब तक इनको हिरासत में रखने का है या यहाँ पे बंद करके रखने का कब तक है? नहीं, बंद नहीं रखा है हम लोग, मैंने डिटेन किया है। मैडम को हम लोग सारी सुविधाएं दे रहे हैं और हाँ कि उनको वहाँ जाने हम लोग नहीं देंगे, क्योंकि उनके जाने से वहाँ शांति भंग हो सकती है, इसलिए हम लोग रोका रखा है। सोनभद्र नहीं जाने दिया जाएगा? सोनभद्र नहीं जाने दिया जाएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू। असल में बुधवार को उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के मूर्तिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 10 लोगों की हत्या कर दी गई थी। इसमें 28 लोग घायल भी हो गए थे। बताया जा रहा है कि मूर्तिया गांव के भारी इलाके में सैकड़ों बीघा खेत है, जिस पर कुछ ग्रामीण पुश्तैनी तौर पर खेती करते आ रहे हैं।
ग्रामीणों के मुताबिक इस जमीन को एक बड़ा हिस्सा ग्राम प्रधान यज्ञदत्त के नाम है। ग्राम प्रधान ने एक आईएएस अधिकारी से 100 बीघा जमीन खरीदी थी। जब बुधवार सुबह 11 बजे ग्राम प्रधान ने इस जमीन पर कब्जे करने के लिए करीब 200 लोगों और 32 ट्रैक्टरों के साथ पहुंचे और जमीनी जोतने की कोशिश की तो विवाद शुरू हो गया।